फ्रेंड्स, मैं आस्था। आज हम आपको समाज की कुछ रूढ़ियों या अंधविश्वास के बारे में बताएंगे। तो पहला तो मैं बता दूं, जैसे कि कोई इंसान है, उसकी वाइफ है, वो प्रेग्नेंट है और उसका मतलब कोई दिक्कत हुई, बीमार हो गई, कोई प्रॉब्लम हुई, तो उसको आपको दवा भी लेके जाना है, हॉस्पिटल में इमरजेंसी में जाना है। तो आप चल दिए, ठीक है, रास्ते में गए, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तो आप रुक गए, सोचे अब हमारा हम अगर हम गए तो हमारा अहित हो जाएगा, या फिर हमें कुछ प्रॉब्लम होगी। तो और सोचे कि कोई दूसरा जाए, पहले निकल जाए तो फिर हम जाए। वो जो समय होता है बहुत कीमती होता है उस समय, यानी आप रुके सोच रहे हैं कि हमारा अहित ना हो जाए, और आपका अहित हो रहा है उस समय, यानी कि आप सोच रहे हैं हमारा अहित ना हो जाए पर आपका हित हो रहा है। यानी कि जैसे कि उसको, यानी आपकी वाइफ को प्रॉब्लम हो सकती है या फिर उसकी डेथ हो सकती है ना। तो मतलब कि अंधविश्वास मत कीजिए। बिल्ली वगैरह क्या है, उसका भाई उसको जाना है तो वो जाएगी, आपके ये अंधविश्वास करने से क्या मतलब। या फिर कोई काम आप कर रहे हैं, छींक दिए, तो आप कहेंगे नहीं नहीं यार, शुभ हो गया, अब रुक जाओ, ये मत करो, कुछ समय बाद। तो ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ये तो सबका प्रॉब्लम है, छींकेगा खाएगा तो मतलब सबकी प्रक्रिया है, करेगा। तो आप मतलब जैसे कि प्रॉब्लम है तो हॉस्पिटल जाना है तो आप जाइए, ठीक है, बिल्ली जानी थी चली गई, आप हॉस्पिटल जाइए भाई, अपनी दवाई करवाइए, ये सब अंधविश्वास मत कीजिए। और ये अंधविश्वास ज्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि आदमी अशिक्षित है, अशिक्षता के वजह से, मतलब पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो सब मानता है कि हाँ छींक दिया, फिर बिल्ली निकल गई, क्रॉस कर गई रोड, तो भाई अब रुकेंगे, पहले कोई जाएगा फिर हम जाएंगे, तो ये तो गलत बात है भाई। फिर मतलब अपना जो भी कीजिए एक लिमिट में कीजिए। एक लगन एक छोटा सा शब्द है, जिसको भी लग जाती है उसका भाग्य बदल जाता है। नहीं, आपको लगन से एक काम कीजिए, अपना जैसे कि अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई कर पढ़ाइए, ये नहीं कि बस हो गया इंटर हो गया, जितना चाहता है वो उतना पढ़ाइए, जितनी उसकी लगन है, पढ़ाई में रुचि है, जिस चीज में उसकी रुचि है उस चीज में उसको करवाइए। तो धन्यवाद, ठीक है।